सोलन में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं को सम्मान प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त सोलन केसी चमन ने की। बालिका दिवस के पावन मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के लिए उपायुक्त सोलन केसी चमन ने 201 कन्याओं का पूजन कर उन्हें सम्मान दिया। आयोजित कार्यक्रम में 201 कन्या पूजन के साथ ही उपायुक्त ने संदेश दिया कि बेटियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। उन्होंने कहा कि बेटियां देवी का स्वरूप होती हैं, वह दो कुलों को जोड़ती हैं। उपायुक्त ने जिला वासियों से आह्वान किया कि वह बेटियों को कुदृष्टि से ना देखें। उन्होंने कहा कि बैंक में FD हो या ना हो, लेकिन यदि बेटियां घर में हो तो वह आपकी जिंदगी में रौनक ला देती हैं। उन्होंने कहा कि सभी को बेटियों का सम्मान करना चाहिए व उनका उचित पालन पोषण कर उन्हें उचित शिक्षा देनी चाहिए, तभी यह आपको एक बेहतर कल प्रदान कर सकती हैं। उन्होंने सभी से यह आह्वान किया कि यदि कोई भी अस्पताल भ्रूण हत्या के लिए अल्ट्रासाउंड करता है या फिर भ्रूण हत्या करवाता है तो उसकी जानकारी प्रशासन को दें, ताकि वे उन पर नकेल कस सकें। बात करते हुए उपायुक्त सोलन केसी चमन ने बताया कि बालिका दिवस के अवसर पर कन्या पूजन से ये संदेश दिया गया कि बेटी देवी तुल्य है व इनका सम्मान किया जाना चाहिए, इन्हें किसी से कम न आंका जाए व कोई भी लोग इन पर टीका टिप्पणी करने से बचें। देवी तुल्य बेटियों को उनके सभी अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। उपायुक्त ने बालिका दिवस के अवसर पर सभी लोगों को बधाई दी। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इसके उपलक्ष्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिला में 201 बच्चियों का जो आप कन्या पूजन जो समारोह आयोजित किया है ICDS विभाग ने, और इसमें उनके अभिभावक वर्ग भी आए हैं। इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं समाज को कि बेटी एक हमारे समाज का एक बहुत अहम हिस्सा है। जैसे कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार का एक मोटो है कि बेटियों को हर एक बेटी जो है कि उस जो गर्भ धारण में है वो जन्म ले इस संसार में आए और उसका एक उसी सही ढंग से धारण पोषण हो, जैसे कि हम बेटों का करते हैं। लिंगानुपात और लिंग जो सही रहे और जो लिंग का जो पूर्व धारण करते हैं ऐसे जो क्लिनिक है उसको आइडेंटिफाई के उसके ऊपर हम एक्शन लें, और किसी भी प्रकार का भेदभाव बेटियों से ना हो, उनका पूरा उनको पूरा बढ़ावा मिले और वो समाज में ताकि अपने उत्कृष्ट स्थान को हासिल कर सके। PI TV के लिए सोलन से अमरप्रीत की रिपोर्ट।